गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं और शीना जी हम लोग ऊपर आ गए हैं छत पे, क्योंकि हम लोग ड्रिपिंग का काम अभी कर रहे हैं अपने प्लांट में, गार्डन में। और ड्रिपिंग करने से हो जाता है कि जब हम कभी बाहर चले जाएँ तो इसको अपने आप पानी, मतलब टाइम टू टाइम पानी मिलती रहेगी। तो बस वही किया जा रहा है, यहाँ पर ड्रिपिंग का काम चल रहा है, तो वही हम दोनों मिलके यहाँ पे कर रहे थे। और ड्रिपिंग का काम कम से कम 4 से 5 दिन से चल रहा है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना और ध्यान देना पड़ता है ड्रिपिंग करने के लिए। जब भी हम नीचे में थे ना, नीचे में हमारा गार्डन था ना, तो वहाँ पे सब किया हुआ था, लेकिन अब जब ऊपर आ गया है तो ऊपर इसकी सारी फिटिंग चल रही है, तो मैं और शिना जी इसकी फिटिंग मिल के कर रहे हैं। तो खैर चलिए, फिटिंग वगैरह अभी तो होती रहेगी, चलते हैं नीचे। हाँ, ये क्या कर रही हो? आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट फज। क्या बनाने जा रही हो? चॉकलेट फज। अच्छा, दो इंग्रेडिएंट के साथ। अच्छा, कंडेंस मिल्क। हाँ, और कोको पाउडर। अब देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। आज अरुल का, अगर अरुल आएगा तो, मगर क्या आएगा तो अरुल को खिलाऊंगी। बस होप सो कि बहुत अच्छा बन जाए। बस होप सो कि बहुत अच्छा बने। ओके, तो पहले ये हमने नेस्ले का मिल्क मेड लिया है, ऐसा करके डालने वाली है उसमें। सो हम लोग पहले कंडेंस मिल्क लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे अच्छे से। अच्छा, सो शुरू करते हैं। आई आरू नहीं, मगर थोड़ा सा डर लग रहा है। तो डालो डालो, तुम्हारे ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, पता है तुमको? इसको खोलना कैसे है? अच्छा है, कट 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 कट, खुल गया। चलो डालो। मैं आधा ही खोल रही हूँ इसको। अब इसमें हम लोग डालेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। कितना डालना है? बस बस बस। थोड़ा सा और डाल लो। डालो। इसको लो फ्लेम पे रखेंगे ना। जब तक ये गरम हो रहा है तब तक हम काम कर लेंगे। हमें चाहिए वो छन्नी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने छन्नी ले लिया है। अब पूछेंगे क्यों? सो जो कोको पाउडर है, हम इसको अच्छे से छान के डालेंगे, जो इसमें लम्स होंगे वो पहले ही निकल जाएंगे इसी में। सो ये गरम हो रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हमें शेयर करेंगे। है चॉकलेट चिप बनाना है। बस हो गया, कड़वा हो जाएगा। सामानों को वेस्ट न कर हम इसको छान लेंगे। आई थिंक सो मैं इतना काफी है ना। सो अब हमने इसको अच्छे छान लिया है और इसको करेंगे मिक्स। मिक्स हो गया? हाँ। मैं ऐसा, हम लोग कोई डेजर्ट है शायद से पहले ही बना रही हूँ। गुलाब जामुन मेरा बनाया हुआ है, बट वो रेडीमेड रहता है ना थोड़ा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ना गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हो चुका ही है।
सो इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो ये पैन पे चिपक जाएगा और सारा फेयर पैन पे चिपक जाएगा। बनाएंगे क्या हम लोग फ्रेंड्स, इसमें भी हम लोग छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसमें पलट देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको तो कर दिया अभी हमने, ये अगर आप अगर इसे चख के देखेंगे ना लगेगा कि डेरी मिल्क है। सो फ्रेंड्स अभी मैं इसको रख रही हूँ और जब अभी 2 घंटे बाद हम लोग देखें इसको फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिजरेटर। ओके तो अभी हम इसको रखते हैं, तो धीरे धीरे रखेंगे। अब फ्रेंड्स होप करिए कि मतलब अच्छा बन जाए, मेरा भाई सब कुछ खुश हो जाए खाकर। तो चलिए फ्रेंड, सैमू का तो कार्यक्रम हो गया, मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैंने 2 कुर्ती मंगाई है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ। मैंने 2 सूट भी मंगवाए यहाँ पे, 2 मैंने कुर्ता 2 ऑर्डर किया था तो वो भी मुझे रिसीव हुआ, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। और ये इन कुर्तियों की पिक मैंने लगा दी है, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की है, ये जो कुर्ती है इससे जरी के वर्क है तो पिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये कपड़े भी जो है ना कॉटन में है, काफी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है। और इसके ये लुक जो इसके इस तरीके से आएंगे। और आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है यहाँ पे वर्क जो है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पूरे पे ये वर्क किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके की है। और ब्लैक कुर्ती, मुझे कुर्ती में इस टाइप के वर्क जो होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं जब भी मतलब मुझे इस टाइप की कुर्तियाँ दिखती है ना तो मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसके यहाँ पर ऐसे वर्क हैं आगे में, और साथ में ये सारे वर्क बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसकी पिक मैंने लगा दी है, वो आपने देख ली है कि वो कैसी लग रही है, तो बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने 2 कुर्ती ऑर्डर की थी तो मुझे 760 रुपये मैंने इसके पेड किए हैं, 760 रुपीज़। तो 700 मुझे ये एक कुर्ती मुझे पड़ी है 346 रुपीज़ में, और उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी है, मतलब रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। 450 की कुर्ती और बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो खैर बहुत अच्छी लग रही है। वैसे इसकी रेट इतनी भी कम नहीं है, मतलब 400 में अच्छी कुर्ती मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती है। लेकिन इसके साथ में ये एम्ब्रॉयडरी में वर्क है और जरी वर्क है तो अच्छा लग रहा है। और मतलब पैसा वसूल है, जो जितने पैसे इस कुर्ती पे मैंने लगाया है ना, ऑलमोस्ट ये पैसा वसूल है। तो एक ये है और ये कुर्ती ये है। एक ये कुर्ती है, लेकिन दोनों कुर्ती के कपड़े में फर्क है, दोनों की फैब्रिक है ना, फैब्रिक में फर्क है। इसकी फैब्रिक थोड़ी सॉफ्ट है और इसकी फैब्रिक थोड़ी सी हार्ड है। और ये कुछ ऐसा है, इसके भी ऊपर में ऐसे वर्क है गले पे, और ये जो है और यहाँ पे। और मैंने ऐसे ऐसी कुर्तियों के कलर लिए हैं जो कि मेरे पास जो मेरे वार्डरोब में ये सारी ये सब कलर जो थे वो मैंने मतलब वो बहुत पुराने हो गए थे, और ये कलर ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब हर कलर रहने चाहिए आपके वार्डरोब में, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। ब्लैक मेरे पास नहीं था तो एक मैंने ब्लैक ऑर्डर किया है, मुझे अच्छे लगते हैं ब्लैक कुर्ती। और इसके साथ में क्रीम कलर के लेगिंग्स या प्लाजो पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा इसके साथ में। और इसी के साथ में ये वाली जो है ये कुर्ती है,
अच्छी लग रही है और इसकी भी पिक मैंने लगा दी है। और अगर इसे आप लेगिंग्स या पैंट के साथ में या फिर आप प्लाजो के साथ में वेयर करते हैं तो बहुत प्यारी लगने वाली है। इसके वर्क बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आप लोग भी अगर ये कुर्ती अगर आपको मिल जाए ना तो ज़रूर लीजिए, बहुत प्यारी है, कम रेट में है और पता ही नहीं चलेगा कि आपने पौने चार सौ की कुर्ती पहन रखी है, इतनी प्यारी लग रही है। कपड़े भी इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं, कपड़े भी अच्छे हैं। और जहाँ तक इसकी लिंक की बात है, अगर आपको इसमें से कोई भी कपड़े से साड़ी हो या ये टॉप वगैरह कोई भी अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लिंक के लिए, तो मैं इसके लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लिंक से भी आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है आपको कि क्या होता है ना कि ये सेम रेट के कपड़े जो होते हैं ना, मतलब सेम कपड़े होते हैं, रेट में फ़र्क होते हैं तो फैब्रिक में भी फ़र्क हो जाते हैं। आपको अगर रेट में थोड़ा थोड़ा का मतलब अगर फर्क नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा का फर्क अगर हो रहा है, अगर 100-200 रुपए का फर्क हो रही है तो आप कंपनी देख लीजिए और रेट देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको मतलब क्या लेना है। क्योंकि कंपनी चेंज होने के बाद कपड़े की क्वालिटी में भी फर्क आ जाती है, और जिसकी रेट कम है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत फैब्रिक में फर्क तो आएगा ही आएगा, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसकी पिक भी लगा दी है, आपने देख लिया है, और मैं अपने ब्लॉग में जो पहनूंगी तो आप देखेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं तक करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।